हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। और सुबह सुबह मैं यहाँ पे कनॉट प्लेस में किसी काम से आया था, बट मैं हनुमान मंदिर जी के सामने से निकल रहा था, तो मैंने सोचा चलो भाई इतनी दूर आया तो हनुमान जी के दर्शन भी कर लेते हैं। तो हनुमान जी के दर्शन कर लिए और अब मैं निकल रहा हूँ यहाँ से गुरुद्वारा बंगला साहिब। गुरुद्वारा बंगला साहिब मैं गुरु पर्व के दिन जाने वाला था, बट नहीं जा पाया था किसी वजह से। तो अभी मेरे को टाइम मिला तो मैं जा रहा हूँ, ठीक है। तो आपको भी दिखाता हूँ, बने रहिए वीडियो में। यहाँ से मैं हनुमान मंदिर से पैदल जा रहा हूँ मैं गुरुद्वारा बंगला साहिब। यहाँ से पाँच मिनट का रास्ता है बाई वॉकिंग, तो यहाँ से निकल रहा हूँ। भाई ये गाड़ियों का शोरूम है बहुत बड़ा इधर गुरुद्वारा बंगला साहिब, देखते हैं कितना दूर है। आज मौसम ठीक है, सर्दियों का मौसम है तो चलने में कोई दिक्कत नहीं होती ना, गर्मियों में ज़्यादा दिक्कत होती है। पहुंच गया मैं गुरुद्वारा बंगला साहिब। यह है गुरुद्वारा बंगला साहिब, इसके अंदर चलते हैं और दर्शन करते हैं। तो यहाँ से एंट्री करेंगे अब गुरुद्वारे के अंदर। ये है मेन एंट्री गेट शायद। तो भाई गुरुद्वारे के अंदर मैं आ गया। यहाँ पे प्रार्थना चल रही है निर्मल भाई। ये पीछे गैलरी लगी है यहाँ पे गुरुद्वारा बंगला साहिब में ना, गैलरी लगी है यहाँ पे। जो भी गुरु थे ना उनके बारे में, उनकी जीवन के बारे में दिखाया गया है, बताया गया है पेंटिंग में, ठीक है। और ये पीछे गुरुद्वारा बंगला साहिब। ये भाई देखो झील, पवित्र झील गुरुद्वारा बंगला साहिब के अंदर। और यहाँ पे क्लियरली मैंशन है कि स्टॉप फोटोग्राफी, डोंट सर्विस इन गुरु घर, सर्विस करो स्टॉप वीडियोग्राफी। ओके, वहाँ पे वीडियोग्राफी अलाउड नहीं है, बट यहाँ से तो कर सकता हूँ मैं दूर से। काफ़ी लोग कर भी रहे हैं छुप छुप के। और ये पीछे गुरुद्वारा बंगला साहिब, यहाँ पे हमेशा रश रहता है। और ये इधर सारी साइड में दुकान है, वहाँ भी एक बार राउंड मार के आता हूँ। और यहाँ पे हमेशा भंडारा चलता रहता है 24 आवर। तो देखिए मछली भी है इसमें, शायद मछली भी है इसके अंदर। वाहे गुरु जी का खालसा, वाहे गुरु जी की फतेह। इसी बात पे वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर दो चैनल को। भाई लंगर खाना है यहाँ का गुरुद्वारा बंगला साहिब का। जा सकते हैं क्या?
ये व्लॉग। अभी मैं भी खाता हूँ लंगर। लगे अभी चावल भी आएंगे भाई। मैंने लंगर भी खा लिया अभी, दाल चावल रोटी सब्जी। भाई यहाँ पे कभी भी आओ ना तो म्यूजियम जरूर देखना, म्यूजियम बहुत अच्छा है यहाँ पे, जिसमें सिख हिस्ट्री पूरी बताई गई है। गुरु नानक, गुरु अर्जन देव, गुरु गोविंद सिंह, गुरु हरगोविंद, जो भी जितने भी गुरु थे ना, सबके बारे में उनके बारे में बताया गया है इसमें म्यूजियम में। और फिलहाल मैं चलता हूँ बाहर क्योंकि अब हो चुकी शाम, ठीक है। तो अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब जरूर करना, कमेंट जरूर करना। तो मिलते हैं फिर नए ब्लॉग में, तब तक के लिए मेरे को दीजिए इजाज़त, बाय।